हेलो, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे यहां दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम इसारोग के साथ में मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं और दूसरा हॉस्पिटल इसारोग के अलावा मानसिक रुग्ण जो है उनको भर्ती करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि इसारोग को लोगों के अपने पेशेंट के साथ में रहना मुश्किल हो जाता है या उनको काफी पुरानी बीमारी है, उनको घर में रखना इलाज करना मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ लोग ला के रखते हैं, महीना, दो महीने, तीन महीने हम उनकी परवरिश करते हैं, उनको इलाज करते हैं, उनको बाद में घर में भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है, वैसे हमारा हॉस्पिटल पुणे में है, नागपुर में है, थाना में है और वहाँ हम लोगों का इलाज करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सेक्स की सभी बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें नपुंसकत्व, शीघ्र पतन, फिर बाकी जो सेक्स रिलेटेड जो हैबिट्स है, ज्यादा मास्टरबेशन करना या ज्यादा नॉक्चर्नल इमिशंस है, उसकी बीमारियां, बच्चों की बीमारियां, बच्चों को काफी मानसिक बीमारियां होती है जिसमें बिस्तर गीला करना या स्कूल फोबिया, वो बीमारियां हैं, या फिर फोबिया की बीमारी जिसमें बाहर जाने का डर, घर के बाहर जाना, ओपन स्पेस में जाना, हार्ट अटैक आ जाएगा उसका डर, या मैं मर जाऊंगा, घबराहट, बेचैनी, उसका डर कि भाई कुछ तो भी हो जाएगा मुझे, वो डर, या बार 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 विचार आना, वही गंदे गंदे विचार आना, या हाथ धोने के विचार आना, या बार बार सेक्स के विचार आना, ऐसे जो नहीं चाहता है मन वो विचार बार बार आना, उसका मतलब वो बीमारियां जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर डिप्रेशन की बीमारियां हैं जिसमें नर्वसनेस है, उदासीनता है, सुसाइड के थॉट्स आते हैं, कोई काम में दिल नहीं लगता, निराशा है, तो ऐसे डिप्रेशन की बीमारी है। फिर स्किज़ोफ्रेनिया है कि जिसमें पागलपन है, अपने आप से बातचीत करना, बहुत वायलेंट हो जाना, मारपीट करना, या फिर ऐसा बहुत ही ज्यादा पागलपन है, छिन्न मानस है, तो वो बीमारियां हैं। फिर हर्षवायु है, तो ऐसी काफी सारी, फिर चिंता रोग है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ऐसी बीमारियों का इलाज होता है। वैसे ही हम हिप्नोथेरेपी से इलाज करते हैं, हिप्नोथेरेपी मतलब हिप्नोटिज्म से करते हैं, अंतर मन के ऊपर इलाज करके हिप्नोटिक सजेशन देकर इलाज करते हैं। वैसे ही काउंसिलिंग, मतलब कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि बिना दवाई का इलाज हो, तो उसमें काउंसिलिंग, साइकोथेरेपी, वो उनके मानसिक बीमारी का इलाज हम काउंसिलिंग द्वारा या साइकोथेरेपी द्वारा करते हैं। वैसे ही लत जो है, कोई भी व्यसन है, एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन हो या कोई ड्रग्स की बीमारी हो, कि मतलब ड्रग्स का एडिक्शन है, उसमें ब्राउन शुगर है, चरस है, गांजा है, या और भी कोई ड्रग्स, शराब के लिए हम उसका डेपो प्रिपरेशन है कि जो चमड़ी के नीचे वो गोली रख के वो 6 महीने तक, फिर उसको कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं और फिर वो शराब लेता नहीं है, तो डेपो प्रिपरेशन है, अल्कोहलिज्म का इलाज करते हैं। अल्कोहल जो है, मतलब शराबी जो है, इनको शराब की लत है, उनको भर्ती करके, दाखिल करके उनका इलाज करते हैं। तो ऐसी काफी सारी बीमारियां जिसका हम इलाज करते हैं, तो जरूर आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करो। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, आपको हम इसमें इनवाइट करते हैं एज ए पार्टनर, पार्टनर अपना देश अच्छा बनाने के लिए, हर एक को पावरफुल बनाने के लिए, हर एक को अच्छा जीवन जीने के लिए आप हमारे पार्टनर बनो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।